गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस द वीडियो फ्रॉम अस। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वंदे भारत मिशन एंड समुद्र सेतु मिशन। इस वीडियो में फ्रेंड हम लोग वंदे भारत मिशन को और समुद्र सेतु मिशन को विस्तार से जानेंगे और जानेंगे इसके बारे में जितना भी बेसिक क्लियरिटी है आपको सब आ जाएगी और जितना भी डाउट है आपका फ्रेंड सब क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। तो चलिए फ्रेंड, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड, एक द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आई थी, इंडिया गियर्स ऑफ वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु मिशन। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग टॉपिक को जानने का कोशिश करेंगे फ्रेंड। चलिए शुरू करते हैं। अब फ्रेंड्स, वंदे भारत मिशन की बात हो चुकी है तो हम चाहते हैं आप लोग को एक बेसिक जो है जानकारी है वंदे भारत मिशन एक्चुअली में है क्या वो आपको पता हो। इट इज़ द लार्जेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज सिंस 1990 क्वेट एयरलिफ्ट इन विच 1.7 लाख पर्सन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वर इवैक्यूएटेड। ये एक बहुत ही बड़ा मैसिव स्केल पे एक इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है फ्रेंड, और इसमें से आपका लगभग 2 लाख पर्सन को वापस लाया जाएगा भारत। और ये क्वेट एयरलिफ्ट के बाद सबसे बड़ा मैसिव स्केल पे ऑपरेशन है। और क्वेट एयरलिफ्ट फ्रेंड, उस पर एक मूवी भी बनी है, आप लोग देख सकते हैं, अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट मूवी। उसमें फ्रेंड 1.7 लाख पर्सन को बाहर से लाया गया था क्योंकि वो जो देश था आपका क्वेट, वो एक पॉलिटिकली अनस्टेबल हो गया था और वहाँ पे इराक ने कब्जा कर लिया था। द गवर्नमेंट विल ऑपरेट 64 फ्लाइट फ्रॉम May 7 to 13। गवर्नमेंट है जो हमारे भारतीय सरकार है वो 64 फ्लाइट को ऑपरेट करेगी 7 मई से 13 मई के बीच। और ये जो ऑपरेशन है हमारे फ्रेंड वंदे भारत मिशन, ये एक फेज्ड मैनर में होगी। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे एयर इंडिया ओपन्स बुकिंग फॉर पैसेंजर्स टू लंदन सिंगापुर US फ्रॉम May 8। 8 मई से फ्रेंड बुकिंग हो चुकी है और अभी जो रिसेंट डाटा मिली है फ्रेंड उसमें से लगभग 4000 पर्सन को बाहर से वापस लाया गया भी है। अब फ्रेंड्स, अब हमारे क्वेश्चन उठते हैं, टू विच कंट्रीज विल द फ्लाइट बी सेंड, कौन कौन सा देश में फ्लाइट भेजा जाएगा। तो यहाँ पे हम चाहते हैं आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लें टोटल को, हम आपको सारा पता चल जाएगा कौन कौन सा देश में कितना कितना फ्लाइट जाने वाला है। देखिए यहाँ पर ऑफिशियल डाटा है फ्रेंड भारत सरकार के द्वारा, यूएई के लिए 10, कतर के लिए 2, सऊदी अरबिया के लिए 5, यूके के लिए 7, सिंगापुर के लिए 5, यूएसए के लिए 7, फिलीपींस के लिए 5, बांग्लादेश के लिए 7, बहरीन के लिए 2, मलेशिया के लिए 7, कुवैत के लिए 5, ओमन के लिए 2, और हमारे टोटल यहाँ पर बन जाती है 64। 64 फ्लाइट ऑपरेट होगी टू द फॉलोइंग कंट्रीज। अब क्वेश्चन उठता है फ्रेंड, कौन कौन सा देश, कौन कौन सा स्टेट से कितना जाने वाला है फ्लाइट। तो फ्रेंड्स, ये जो जानकारी, ये मतलब ये जो डाटा है इससे आपको पता भी चल जाएगा फ्रेंड कि कौन कौन सा देश, कौन कौन सा स्टेट से हमारे, कौन कौन सा बाहर इंडियन स्टेट से कितना कितना पर्सन वापस जाते हैं, मतलब बाहर जाते हैं, फॉरेन जाते हैं काम करने के लिए, और कितना कितना पर्सन आपका बाहर में है। तो इससे आप कंक्लूसिव एक जानकारी भी मिल जाएगी फ्रेंड। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। केरला विल सेंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लाइट। केरला है जो हमारे जो भारतीय स्टेट है वो 15 फ्लाइट को भेजेगी। और एक जानकारी के लिए फ्रेंड, केरला का जो CM है उसका नाम है पिनरई विजयन। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं फ्रेंड आप लोग एक वीडियो को पॉज करके, 11 इज फॉर दिल्ली NCR एंड तमिलनाडु, 7 फॉर महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, 5 फॉर गुजरात, 3 फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड कर्नाटक, एंड 1 फॉर पंजाब एंड उत्तर प्रदेश विल बी सेंट। अप्रोक्सीमेटली 2000 पीपल्स फ्रॉम एब्रॉड विल फ्लाई बैक टू इंडिया डेली। लगभग 2000 पर्सन को बाहर से लाया जाएगा प्रतिदिन बाई इंडियन गवर्नमेंट। दोज अराइविंग बाई रिपेट्रिएशन फ्लाइट विल बी स्क्रीन एंड पुट अंडर 14-day क्वारंटाइन। जो कि बाहर से लाया जाएगा फ्रेंड, पहले उसे एयरपोर्ट पे ही उसका चेकिंग होगी, उसको स्क्रीन किया जाएगा कि उसके अंदर कोई वायरस है, वो इन्फेक्टेड नहीं ना है, और उस पर और उसको 14 दिन क्वारंटाइन के लिए रखा जाएगा। और उसको क्वारंटाइन का खर्चा जो अभी बहुत ही लार्ज स्केल पर बनी हुई है हमारे देश पर, बहुत बहुत जो हमारे जो होटल्स हैं इंपॉर्टेंस, उसे भी क्वारंटाइन सेंटर के रूप में बना दिया गया है। तो उसका जो खर्च है वो सिटीजन्स को ही, जो स्टैंडर्ड जो आएगी बाहर से उसे ही
उठानी पड़ेगी। अब हमारे जो क्वेश्चन उठ जाते हैं फ्रेंड, हु विल बी गिवन प्रायोरिटी, किसे? अब हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड बाहर में तो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, तो अब सबको चाहेंगे कि हम पहले आएंगे, हम पहले आए, लेकिन लेकिन किसे प्रायोरिटी दिया जाएगा, किसे पहले लाया जाएगा, किसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा गया हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, किसे लाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा गया है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आवर होम सेक्रेटरी अजय भल्ला से डेट द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू सर्टेन कंपेलिंग केसेस इन स्टेट्स इंक्लूडिंग माइग्रेंट वर्कर्स, लेबरर्स हु हैव बीन लेड ऑफ एंड दोज फेस्ड विद एक्सपायरी ऑफ शॉर्ट टर्म वीजाज। जो हमारा जो प्रायोरिटी जाएगा दिया जाएगा उसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट है जो फ्रेंड वो है जो मानसिक रूप से मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस में है फ्रेंड, और कंपेलिंग केस बहुत ही ज़्यादा, और फिर जो जिसका वीज़ा एक्सपायर करने वाला है उसे सबसे पहले वापस लाया जाएगा। एंड द प्रायोरिटी ऑल्सो इंक्लूड्स द पर्सन विद मेडिकल इमरजेंसी, प्रेग्नेंट वोमेन, इल्डरली, दोज हू रिक्वायर टू रिटर्न इंडिया ड्यू टू हेल्थ ऑफ फैमिली मेंबर एंड द स्टूडेंट्स एज होम मिनिस्ट्री कोटेड। अब प्रायोरिटी फ्रेंड्स जो एक मेडिकल इमरजेंसी में बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है जिसका, और प्रेग्नेंट वोमेन है, और बहुत ही ज़्यादा एजड पर्सन है, इल्डरली है, और दोज रिक्वायर्ड टू रिटर्न इंडिया ड्यू टू हेल्थ ऑफ फैमिली मेम्बर, जो जिसे जिसका भारत में फैमिली का कोई किसी कोई पर्सन डेथ हो चुका है और वो मतलब मेंटली अनबैलेंस हो चुका है, और फ्रेंड्स एंड एंड स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स को भी वापस लाया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं और इसका आप देख सकते हैं कि किसे किसे प्रायोरिटी दिया जाएगा। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन उठता है फ्रेंड, हु विल बियर द फ्लाइट टिकट, किसे फ्लाइट टिकट उठाना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड ये एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू है, यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है सब द रूलिंग पार्टी को अभी दोष दे रही है, कंडेम कर रही है पूरा, कि जो जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं वो लोग का तो अपने वो लोग का तो पैसा ख़त्म हो चुका है फ्रेंड, तो फिर वो लोग कैसे इतना खर्चा को बियर कर पाएंगे। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो अपोजिशन पार्टी है वो जो रूलिंग पार्टी है उसको पूरा कंडेम, वो बहुत ज़्यादा कंडेम कर रही है कि सरकार को ये खर्च उठाना चाहिए। द पैसेंजर्स विल बी चार्ज 50,000 फॉर लंदन, दिल्ली, अहमदाबाद, जो लंदन से दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु आ रहे हैं फ्रेंड उसे 50,000 चार्ज किया जाएगा, और जो ढाका से दिल्ली आ रहे हैं उसे 12,000 चार्ज किया जाएगा, और पैसेंजर्स बिंग रिपेट्रिएटेड फ्रॉम यूएस, और जो यूएस से आ रहे हैं फ्रेंड उसे 1,00,000 रुपया चार्ज किया जाएगा, और जो दुबई से आ रहे हैं उसे 13,000 रुपया चार्ज किया जाएगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड ये वाला, सॉरी फ्रेंड ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंड ये वाला आप जानकारी रखिए, द एयर इंडिया विल ओनली बी इशूड, एयर टिकट्स विल ओनली बी इशूड टू दोज ऑन द पैसेंजर्स लिस्ट प्रिपेड बाई एम्बेसी और कॉन्सुलेट, मोर ओवर द मेडिकल स्क्रीनिंग विल बी डन बिफोर टेकिंग द फ्लाइट, ओनली ए सिम्टोमिक पैसेंजर्स वुड बी अलाउड टू ट्रेवल। फ्रेंड जो वापस आएगी फ्रेंड, जो एक हमारे जो भारत में जो एम्बेसी है या हाई कमिश्नर है, जो कॉन्सुलेट है, वो जो प्रिपेयर करेगा लिस्ट उसी को पहले वापस लाया जाएगा, उसी को वापस लाया जाएगा, और वो जो लिस्ट प्रिपेयर होगा फ्रेंड सबसे पहले जो पर्सन आने वाला है उसका तो मेडिकल स्क्रीनिंग हो किया जाएगा, इसके बाद जो जो मतलब ए सिम्टम है, जो मतलब जिस जो सिम्टम नहीं दिखा रहे हैं उसी को वापस लाया जाएगा, पहले उसी को अलाउड किया जाएगा ट्रेवल करने के लिए। तो फ्रेंड इतना हमारे यहाँ पे जानकारी बन जाती है फ्रेंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, व्हाट स्टेप्स विल द इवैक्यूज हैव टू टेक। अब फ्रेंड जो इवैक्यूज बाहर बाहर में फंसे हुए हैं, तो अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि वो भारत मुल्क से है कि दूसरा कंट्री से है, तो इसके लिए इसके लिए एम्बेसी को दो चार कदम है उसको उठाने पड़ेंगे फ्रेंड। तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्टली द स्टैंडर्ड सिटीजन हैव टू स्टे इन टच विथ इंडियन एम्बेसीज इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो भारत सिटीजन है उसको पहले एम्बेसी का टच पर रहना पड़ेगा और उसे जानकारी देनी पड़ेगी। पुण्य सलीला श्रीवास्तवा, ए जॉइंट सेक्रेटरी इन द यूनियन होम मिनिस्ट्री, स्टेटेड डेट द स्टैंडर्ड इंडियंस हु वुड बी ब्रॉट बैक बाई स्पेशल फ्लाइट फ्रॉम अब्रॉड हैव टू डाउनलोड आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप एंड फॉलो द गवर्नमेंट इशूड हेल्थ गाइडलाइंस। फ्रेंड्स जो हमारे एक जॉइंट सेक्रेटरी है पुण्य सलीला श्रीवास्तव, वो मतलब कोट किया है कि
जो बाहर से वापस लाया जाएगा जिसे, उसको आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, और जितना भी हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जितना गाइडलाइंस और सिविल एविएशन के द्वारा जितना भी गाइडलाइंस प्रोवाइड किया जा रहा है उसे उसको ओबे करना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, जो कि एक वंदे भारत मिशन के तहत ही एक ऑपरेशन है जिसका नाम है समुद्र सेतु ऑपरेशन। ये वंदे भारत मिशन के तहत ही है। द ऑपरेशन समुद्र सेतु मीनिंग सी ब्रिज इज बींग कैरिड आउट बाई इंडियन नेवी एज अ पार्ट ऑफ नेवल एफर्ट टू रिपेट्रिएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम ओवरसीज। ये इंडियन नेवी के द्वारा चला जा रहा है फ्रेंड, जिसका नाम है समुद्र सेतु, और इससे जो बाहर में जो मालदीव्स में फंसे हुए इंडियंस हैं उसे वापस लिया जाएगा थ्रू द सीवेज, जल मार्ग से उसे वापस लाया जाएगा शिप से। और इसके लिए दो शिप है फ्रेंड, जिसका नाम है INS जलस्व और INS मगर, उसे भेजा गया है माले, जो कि मालदीव्स का कैपिटल है, वहाँ भेजा गया है। और ये 8 मई को फेज वन इसका होगी फ्रेंड, टू कमेंस द इवैक्यूएशन ऑपरेशन फ्रॉम 8 मई 2020 एज पार्ट ऑफ फेज वन। और फेज वन के तहत 8 मई को जो भेजा गया है फ्रेंड, एक सीवेज भेजा गया है, शिप भेजा गया है। इंडियन मिशन इन मालदीव्स टू प्रिपेयर, और इंडियन मिशन जो इंडियन इंडिया का जो एम्बेसी है फ्रेंड, वो वहाँ पे जो आने वाले हैं उसका लिस्ट प्रिपेयर करेगी। और मतलब पहले ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, इसको पहले हम हाईलाइट किया फ्रेंड, इससे आप पहले यानी जो एक मतलब जो प्रायोरिटी जो है जो 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 फर्स्ट स्टेप है उसका मतलब पहले स्क्रीन किया जाएगा फ्रेंड, उसे फिर वापस मतलब लिस्ट में डाला जाएगा। अगर स्क्रीनिंग नहीं होगा तो लिस्ट में भी नहीं डाला जाएगा, और अगर अगर मतलब इन्फेक्टेड पाया गया तो उसे भी लिस्ट में पहले नहीं डाला जाएगा। जो इन्फेक्टेड पर्सन जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है फ्रेंड उसे पहले वापस लाया जाएगा। और 5,000 पर्सन्स आर प्लान टू इवेक्यूएट ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रिप, 1,000 पर्सन्स को वापस लाया जाएगा पहला ट्रिप के तहत। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है, इंपॉर्टेंट जानकारी बन जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड INS जलस्व और INS मगर। अब INS जलस्व और अगर INS मगर के बारे में जान लीजिए फ्रेंड, क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा देश से हायर किया गया है और कौन सा देश से खरीदा गया है। तो फ्रेंड्स पहले तो हम आप बताना चाहते हैं कि INS जलस्व को 2005 में भारत ने खरीदा था, अलोंग विथ उसके साथ 6 हेलीकॉप्टर भी खरीदा था, जिसका नाम है सिकोर्सी SH-3 सी किंग हेलीकॉप्टर्स। यहाँ पे लिखा फ्रेंड्स, इसे आप रखिए, SH-3 सी किंग हेलीकॉप्टर्स 6, और फिर एक US INS जलस्व जिसे अभी हम करते हैं उसे खरीदा गया था 2005 में। और उसका जो प्राइस था फ्रेंड, US से खरीदा गया था, और उसका जो प्राइस था उसका दाम था $90 मिलियन US डॉलर। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है फ्रेंड, 8,900 टन। फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी क्या होती है फ्रेंड्स, अगर मतलब जितना लोड वो जो शिप है वो बियर कर सकता है, जितना लोड उठा सकता है फ्रेंड, उसे ही डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी हम लोग कहते हैं। और INS मगर है फ्रेंड, इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता के द्वारा बनाया गया है फ्रेंड, और इट हैज़ डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी ऑफ 5,665 टन्स। और इसे गार्डन शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया है कोलकाता में, और इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये खैर उतना ज़्यादा है नहीं, इसका डिस्प्लेसमेंट है 5,665 टन्स। इतना आप जानकारी में रखें। अब कुछ अलग जानकारी है, कुछ दूसरा टाइप का जानकारी। द इवेक्यूटेड पर्सनल विल बी डिसम्बार्क्ड एट कोची। जो जो फ्रेंड बाहर से आएगा वापस, जो सीपोर्ट के द्वारा उसे कोची में डिसम्बार्क किया जाएगा, कोची में उतारा जाएगा, और केरल गवर्नमेंट जो है, केरल सरकार है, उसको सौंप दिया जाएगा, और वो फिर बाद में कदम उठाएगी जो डिफरेंट राज्य से है उसे फिर वहाँ पे भेजा जाएगा एक एक करके। फ्रेंड्स द ऑपरेशन इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो फ्रेंड्स ये ऑपरेशन है, ये एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन है, बहुत ही ज़्यादा एक कोऑपरेशन है फ्रेंड, बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और अदर एजेंसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत। और इसमें फ्रेंड एक जानकारी रखना है फ्रेंड कि स्टेट गवर्नमेंट का भी एक बहुत ही बड़ा हाथ है। और INS सरदुल जो है एक फ्रेंड, INS सरदुल वॉज डाइवर्टेड टू दुबई टू इवैक्यूएट द एक्सपेरियंट्स एंड विल रिटर्न टू कोची।
INS सरदुल है फ्रेंड, एक जो जहाज का नाम है हमारे नाम है INS सरदुल, जो कि दुबई के लिए भेजा गया फ्रेंड। ये अलग शिप है एक, और वो दुबई से सीवेज के थ्रू पर्सन्स को इवेकुएट करेगा। हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे जो ये जो है कंट्री है एक मालदीव्स, जिसका कैपिटल है माले, और यहाँ पे हमारे देख सकते हैं ये है हमारे स्टेट का स्टेट है केरला, ऐसे है फ्रेंड। और यहाँ पे कोची में उसे डिसम्बार्क किया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दिया जाएगा। ये आपका रूट है, इधर हम लोग देख सकते हैं अरबियन सी है, और इधर बे ऑफ बंगाल है, और नीचे में इंडियन ओशियन। चलो फ्रेंड अब हम लोग चलते हैं। फाइनली फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोग को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप लोग रियली आप इसको हेल्पफुल मानते हैं, अगर आपको कुछ जानकारी मिली है फ्रेंड, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।